वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फन इंग्लिश क्लास और हमारे सीरियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर वापस आ गई हूँ मैं यानी आपकी दोस्त रिया लेकर इंग्लिश का एक और नया टॉपिक। तैयार है आज के इस टॉपिक के लिए, आज के इस नए वीडियो लेसन के लिए? आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें आपको एक लाइन को रिपीट करने को कहा था। वो लाइन थी, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। Oh, no! और जहाँ तक मुझे पता है आप में से सब लोगों ने वो बहुत आसानी से बोल लिया था। ऐसे ही वाक्यों को हम इंग्लिश में ना टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग ट्विस्टर्स। आपको पता है ये बोलने कितने ज़रूरी होते हैं? जिस दिन ये अच्छे से बोलने लग गए उस दिन से आप प्रोनंसिएशन में कोई गलत नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं होगी, बहुत आराम से बोलेंगे, अटकेंगे नहीं। तो इस वीडियो के लिए भी एक और नई पजल, एक और नया ऐसा टंग ट्विस्टर आपके सामने है। ध्यान से एक एक शब्द करके सुनिएगा और इसे भी 5 बार दोहराइएगा। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। क्या बोला? शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स on the seashore. She sells on the seashore. अरे 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 अटक गई मैं। आप लोग बोल पाए 5 बार? बोल लिया तो बहुत अच्छा। क्या हुआ आप भी नहीं बोल पाए? मुश्किल है ना थोड़ा? हाँ मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। अरे बहुत कठिन था, कितना अजीब था, मेरे बस की नहीं है। इन सब वाक्य से मैंने आपको ये बताया कि दिया हुआ सेंटेंस बोलना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था। हिंदी में इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के तो तरीके मैंने आपको बता दिए, और भी कई तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलूं कि जो सेंटेंस आपने बोला था रिपीट करने के लिए या जो टंग ट्विस्टर दिया था वो बहुत मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तरीके खत्म? क्या हुआ, ऑप्शंस खत्म हो गए? अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बताने वाली हूँ वो कई सारे तरीके जिनसे आप सामने वाले को बता सकते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं थी, इट वॉज डिफिकल्ट, ये मुश्किल था। तो इसकी जगह हम क्या क्या बोल सकते हैं, आइए सीखते हैं। आज के वीडियो लेसन में आपको पढ़ाऊंगी वीज टू से इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है लेकिन सीखना बहुत आसान है, बस वीडियो देखनी है एंड तक। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारी ये वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस, इट इज नॉट सो सिंपल। मान लिया इतना आसान नहीं है, जितना आसान लग रहा था ये बोलने में होगा उतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल। क्या आएगा? इट इज नॉट दैट सिंपल। अब बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस जो मैं भूल सकती हूँ वो ये है, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। मैम आपने ना हमें मुश्किल काम पकड़ा दिया था, जानबूझ के मुश्किल सेंटेंस दिया है कि हम ना बोल पाए। मुश्किल काम दिया था यानी मुश्किल यानी डिफिकल्ट, काम यानी टास्क। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। क्या था? डिफिकल्ट टास्क था तभी नहीं हो पाया, ठीक ठाक भी होता ना आप तो चुटकियों में कर लेते हैं। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। एक और तरीका, अब मैं कह सकती हूँ इट इज नॉट दैट इजी। आसान चीज हो तो इट इज वेरी इजी, आसान नहीं है तो क्या बोलोगे? इट इज नॉट दैट इजी, ये इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, बढ़े अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य मैं कहना चाहती हूँ कि ये चलने जितना सैर कटने जितना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस निकल के सैर करके आए और खत्म, सैर करने इतना आसान है। ना ना ना, इतना आसान नहीं है। तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूंगी, इट इजंट अ वॉक इन द पार्क। इट इजंट अ वॉक इन द पार्क। ये पार्क में सैर करने जितना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इजंट अ वॉक इन द पार्क। अगले सेंटेंस में जो अगला तरीका है वो ये है कि मैं बोल सकती हूँ इट वॉज अ टफ टास्क। इट वॉज अ टफ टास्क। जैसे मैंने पहले बोला था ना, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल।
टफ का मतलब भी मुश्किल ही होता है, तो आप क्या बोल सकते हो? इट वॉज अ टफ टास्क. या फिर हिंदी में हम बोलते हैं ना, ये बड़ी ही टेढ़ी खीर है. बड़ी ही टेढ़ी खीर का क्या मतलब होता है? बहुत ही टेढ़ी चीज है, एक बारी में होता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता. तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ बिट ट्रिकी. इट इज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है. तभी तो समझ में नहीं आया. यही मैंने कोई आसान सा वाक्य दिया होता, आप 5 बार क्या 10 बार बोल लेते. 5 के 50 बार बता दो, हमें तो आता है. लेकिन ये ना थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा टेढ़ा था, तभी नहीं बोल पाए. इट वॉज अ बिट ट्रिकी. अगला सेंटेंस, इट वॉज क्वाइट हार्ड गोइंग. इट वॉज क्वाइट हार्ड गोइंग, यानी कि सच्ची में सामने वाले को हिला के रख दे, इतना मुश्किल सेंटेंस दे दिया आपने. इट वॉज क्वाइट हार्ड गोइंग. एक और तरीका सिखाऊं? आसान तरीका है बहुत, मैं इसे बोल सकती हूँ. इट वॉज वेरी हार्ड. इट वॉज वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तभी नहीं बोल पाई. एक और तरीका याद आया मुझे, इसे भी सिखा देती हूँ. इसे मैं बोलती हूँ इट इज क्वाइट टफ एट टाइम्स. इट इज क्वाइट टफ एट टाइम्स, कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है. भूल गया था मैंने 2-3 बार वो सेंटेंस. शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर. शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर. कभी कभी तो भूल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी शी सेल्स सी सेल, अरे अटक गई ना. तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है. इट गेट्स क्वाइट टफ एट टाइम्स. इट गेट्स क्वाइट टफ एट टाइम्स. सो ये थे वो सारे तरीके जब आप बोल सकते हो कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, या फिर ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है. तो आज के लिए बस इतना है. खैर, इस वीडियो में हमने जाए सीख लिया है कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट को कैसे बोल सकते हैं. लेकिन इंग्लिश सीखने की जब बात आती है, आपने एक ही सेंटेंस को याद रखना है, इट इज इजी पीजी. है ना इजी पीजी? तो हमारी वीडियो देखी, पसंद आई तो लाइक भी कर दो और कमेंट करके अपने रिव्यूज भी देना. मैं ऐसे ही और नई वीडियोस बनाती रहूंगी और आती रहूंगी आपको इंग्लिश के नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने. तो ऐसे ही हमारे साथ हमारी वीडियोस देखते रहिए. और वीडियोस देखने से याद आया, वीडियोस देखने के अलावा अगर चाहते हैं लर्निंग आपकी और भी अच्छी हो जाए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने पहले ही डाल दिया, बस आपने उसे क्लिक करना है और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं. तो देर किस चीज की है, अभी जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए. बहुत जल्द वापस आऊंगी मैं लेकर आपके लिए ऐसी ही एक और नई इंग्लिश की वीडियो, जिसे मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ मस्ती में बातें करते करते आपको बड़े ही आराम से इंग्लिश बोलना सिखा दूंगी. आई कैन एंड आई विल. और आप भी याद रखिए, वी कैन एंड वी विल लर्न इंग्लिश वन डे. फन इंग्लिश क्लास की वीडियोज ऐसी देखते रहिए. बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.